माता पार्वती जी की प्रीति भोले बाबा से हुई। भोले बाबा ने सप्तऋषियों से कहा, जरा उनकी प्रेम परीक्षा लेके आओ, कैसा प्रेम करती है, कितना टिकाऊ है प्रेम। तो सप्तऋषि आए, जब पूछा क्या कर रही हो, बता दिया, भोले बाबा कुछ पाने के लिए तप कर रहे हैं। बड़ी जोर से सातों भैया से सप्तऋ, अब आपकी कोई बात पर कई लोग एक साथ हंसे तो आप असहज हो जाओगे, क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। पार्वती जी ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है। बोले, हंसने की बात यह है कि देवी ये बताओ, ये तुम्हें सलाह किसने दी। बोले, हमारे गुरु जी हैं नारद जी महाराज। तो और जोर से हंसे, वाह धन्य है, अपना घर बसा नहीं पाया उसकी बात से तुम अपना घर बसाने चले। अब वो तो घर फोड़ू बाबा है, बसे बसाए घर उजड़ा देता है, घर में लड़ाई करवा करके बिखार देता है। उस झगड़ालू बाबा के चक्कर में पड़ के तुम घर बसाने चली हो। अब गुरु निंदा, और वो भी देखो, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सलाह भी दी तो किस वर के लिए दी, जिसके खानदान का पता नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए देवी पार्वती के उसका पहले भी एक विवाह हो चुका है दक्ष की बेटी सती से, बिचारी आत्महत्या करके मर गई, मालूम है तुम्हें, भांग के नशे में रहता है। स्त्री को कैसे रखा जाता है, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसलिए बेचारी आत्महत्या करके मरी थी। इस तरीके से घटना वह है, और सप्तऋषियों ने प्रेम की परीक्षा लेने के लिए इस तरीके से चित्रण किया, पार्वती जी का माथा खराब हो जाए। कोई भी अन्य साधारण स्त्री होती उसका उच्चाटन हो जाता इन सब बातों को सुनकर के। और फिर उच्चाटन तो करने की पूरी कोशिश करी, उसके बाद सलाह भी दी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम तुम कहां बर नीक बिचारा, हमने तुम्हारे अनुरूप एक बहुत सुंदर बर ढूंढ लिया है, क्षीर साई भगवान नारायण, हम उनसे परिचित हैं, तुम कहो तो बात चलाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़, वो तो मंगल के साक्षात मूर्ति है, मंगल भवन है, और तुम अमंगल मूर्ति के साथ विवाह करने के लिए इतना कठोर तप कर रहे हो, चिता भस्म लगाए घूमता है, नरमुंडों की माला पहनता है, चिता में जाने के बाद लोग सचैल स्नान करते हैं, और तुम ऐसे अमंगल रूप शिव का ध्यान कर रही हो, उनको पाने के लिए इतना कठोर तप कर रही हो। अब उच्चाटन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु यद केवल गुण के आधार पर ही प्रीति होती पार्वती जी की, तो गुण तो भगवान विष्णु में बहुत गिनाए, और महादेव में अवगुण ही अवगुण सप्तऋषियों ने बताए, तो विचार बदल सकता था। पर पार्वती जी ने एक ही बात कही, महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। मैं मानती हूं आपकी बात का, मैं समर्थन करती हूं कि विष्णु सकल गुण धाम है और मेरे भोलेनाथ अवगुणों के भंडार हैं, अवगुण भवन है, और क्या करें, हमारा मन तो उनमें रम चुका है, अब कौन गुण दोष पर विचार करे। विचार तो पहले किया जाता है, हमने तो उनसे प्रीति कर ली, अब चाहे वो अवगुणी हो, चाहे वो गुण निधान हो, चाहे कुछ भी उनमें ना हो, मेरी प्रीति में अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसको कहते हैं निष्कपट निष्काम प्रीति, ये विशुद्ध प्रीति है, भगवान में ऐसी प्रीति होना चाहिए। क्या वांके बिहारी के भक्त हैं, खूब बिहारी जी के दर्शन करते हैं, किसी ने कहा अरे वहां चादर चढ़ाने जाओ, तुरंत इच्छा पूरी होती है, तो बिहारी जी छोड़ के चादर चले चढ़ाने चले गए। ये गड़बड़ी भक्ति है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, पर एक ही दर को वैर है, दुर दुर करे न कोई, एक भरोसा एक व्रत एक आस विश्वास, दृढ़ता एक में होना चाहिए। जितनी निष्ठा अनन्य भक्ति में अनन्य भाव से होती है, परिणाम उतनी जल्दी होती है। एक ही जगह खोदते चले जाओ तो कितनी भी गहराई में जल क्यों ना हो, प्राप्त हो जाएगा। परंतु आपने 50 फुट खोदा, फिर किसी ने कहा यहां की जगह यहां पानी बहुत जल्दी निकलेगा, तो 50 वहां खोद डाला, फिर भी नहीं निकला, तो बोले यहां, किसी ने आके बोले यहां और जल्दी निकलेगा, तो वहां खोदते रहो।
अब आपने 150 हाथ खोद डाला, 150 फुट खोद डाला, यदि एक ही जगह खोदा होता तो देर सवेर पानी आपको एक ही जगह मिलता, और ऐसे 50 जगह आप खोदते रहोगे तो जिंदगी खोदते ही निकल जाएगी, हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक निष्ठ होना चाहिए, अनन्यास चिंतयंतो माम। अन्याश्रय भक्ति को नष्ट कर देता है, एक आश्रय होना चाहिए, अनन्याश्रय, न अन्य किसी का आश्रय ले, तब परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भक्ति कैसी हो, अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, ये जीव मात्र का परम धर्म। और ऐसी अनन्य भक्ति जब आपके भीतर आएगी तो भक्ति के दो बेटे पैदा होंगे, कौन कौन से, जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम, ज्ञानम च वैराग्यम आसु जनयति। वो भक्ति आपके भीतर ज्ञान और वैराग्य को शीघ्र जन्म देगी, देर नहीं लगेगी, अविलंब। भक्ति जितनी शुद्ध होगी ज्ञान वैराग्य उतनी शीघ्र आपके भीतर प्रकट होंगे। और मनुष्य का जीवन खाने पीने सोने के लिए नहीं है, ये आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मानव जीवन का परम लक्ष्य है तत्व को जान लेना। तत्व क्या चीज है, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सद्यते। तत्व एक ही है, परंतु ज्ञानी उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, योगी उस तत्व को परमात्मा कहते हैं, भक्त उसी तत्व को भगवान कहते हैं। निर्गुण निराकार रूप में उसका नाम ब्रह्म है, सगुण निराकार रूप में उसका नाम परमात्मा है, सगुण साकार रूप में उसी तत्व को भगवान कहते हैं। मोटे से उदाहरण से आप समझें, एक ही आटे से फुलके भी बनते हैं, पराठे भी बनते हैं और पूड़ी भी बनती है। अब आपने सबको पूड़ी खिलाई तो कुछ सज्जन ऐसे भी होंगे, साहब हम तो रोगी आदमी हैं, ये तली हुई चीज हम खाते नहीं, रूखी रोटी दो मिल जाए तो पालेंगे साहब। और आपने कह दिया दूसरे दिन तो कल से केवल फुलका ही बनेंगे, पूरी बंद करो। तो फिर कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, कह रहे साहब हम तो इतनी दूर से बंबई से आपके कार्यक्रम में वृंदावन में आनंद लेने आए, तुम रूखे फुलका खिला रहे हो। तो भैया रुचि नाम वैचित्र्या, सबकी रुचि अलग अलग है, किसी को फुलका चाहिए, किसी को परांठे चाहिए, ठंडी का मौसम है बढ़िया आलू के परांठे। हमारे यहाँ तो महाराज हर चीज की कितनी वैरायटी, फुलके में कितनी वैरायटी है, मिस्सी रोटी चाहिए कि कितने प्रकार की रोटियां होती हैं, ज्वार की, बाजरा की, और कितने रोटी, और फुल, अब उसमें परांठे भी गोभी के और आलू के, और न जाने कितने पनीर के परांठे, ऐसी पूड़ियां भी हरी नीली पीली होती हैं, हर चीज में कई वैरायटियां, 56 भोग वाले हैं हम लोग तो। जिसको जिसमें रुचि आवे प्रेम से पाओ। अब जिनके यहां दाल रोटी के अलावा कोई चीज है ही नहीं तो वो तो जबरदस्ती खिलाते हैं, तुम्हें भंडारे में दाल रोटी ही खानी पड़ेगी, हमारी रोटी पर उंगली उठाई तो तन सर से जुदा है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक ही चीज है, अब तुमने उस पर टीका टिप्पणी करी तो महाराज मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। पर हमारे यहां तो 56 भोग हैं, इसमें स्वाद नहीं है तो इसमें लो। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, हमारे ठाकुर जी के तो अनंत रूप हैं, परंतु इतना ध्यान रखिएगा अनंत रूप तो हैं, पर जो शास्त्र सम्मत भगवान के स्वरूप हैं उन्हीं की आराधना कीजिए। भाई भंडारा जरूर पाइए, 56 भोग पाइए, पर 56 भोग के अलावा फालतू चीज ना खाइए, वही पाइए जो ठाकुर जी को भोग लगे। अशुद्ध आहार मत कीजिए, शुद्ध जो भगवत ग्राही है
ठाकुर जी का प्रसाद पाइए, ठाकुर जी 56 भोग लगा रहे हैं, उनमें से तुम्हें जिसमें रुचि आवे वो भोग पाओ, खाने के नाम पर कुछ भी ना खाओ। ऐसी हर तत्व उपास्य नहीं हो सकता। शास्त्रों में जिनकी उपासना है, शास्त्रों में जिनका स्वरूप है, आजकल मनमुखी भगवान भी बहुत से लोग तैयार कर लिए। जब हजारों प्रकार की उपासना पद्धतियां हैं हमारे पास, तो अब नई प्रकट किए बहु पंथ, अब नए नए पंथ निकालने की क्या जरूरत है, वैसी ग्रंथों में बहुत पंथ है। इसलिए शास्त्र सम्मत आपका कार्य होना चाहिए। तस्मा शास्त्रम प्रमाण, शास्त्र प्रमाण से, शास्त्र के मार्गदर्शन में। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शासनात्रायते, जो शासन करता है और उसके बताए शासन से जो चलता है उसका त्राण कर देता है, कल्याण कर देता है, उसका नाम शास्त्र है। तो शास्त्र विहित कर्म करोगे तो कल्याण की गारंटी है, मनमुखी करोगे तो कोई गारंटी नहीं है। मजदूर काम करते हैं, किसी की आज्ञा में यदि काम कर रहे हैं कि देखो ये तुम्हें ये काम करना है, यहां इतना गड्ढा खोदना है, तो जिस मालिक ने खोदने को कहा है वो आपकी खुदाई की पारिश्रमिक देगा। तुमने इतने घंटे काम किया, लो ये रुपया तुम्हारा मेहनताना। अब उतना ही गड्ढा आप जंगल में जाके खोद दो, परिश्रम तो उतना ही हुआ, पर आपने अपनी इच्छा से खोदा तो कौन देगा पारिश्रमिक? क्या इतने गड्ढे खोदते फिर वो जंगल में? बोले हमको क्यों नहीं मिला, हमने इतना गड्ढा वहां खोदा था। बोले किसके कहने से खोदा था? आप किसी की आज्ञा से जब खोदोगे तब तो उसकी गारंटी हम तुमको पारिश्रमिक दे लेंगे, देंगे। और मनमुखी ढंग से चाहे उससे दुगना गड्ढा खोद दो, 50वां गड्ढा खोद दो, कुछ नहीं हाथ लगने वाला, क्योंकि आपने किसी की आज्ञा से नहीं अपनी मर्जी से खोदा है। उसी प्रकार शास्त्र विहित जो कर्म करोगे तो शास्त्र गारंटी लेता है हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, उसका तुम्हें फल देंगे। और मनमुखी ढंग से तुम कर रहे हो कर्म, हमको फल तो शास्त्र विहित चाहिए पर कर्म शास्त्र विहित नहीं करेंगे, ये आजकल चक्कर है। शास्त्रों ने जो तुम्हें कर्म बताया वो नहीं करना, हमको जो मर्जी आएगा हम वो करेंगे, पर फल हमें शास्त्र विहित चाहिए। बोलो राधे राधे। तो भाई शास्त्र विहित कर्म करोगे तब शास्त्र विहित फल मिलेगा, मनमुखी का कर्म का फल थोड़ी शास्त्र देगा।